हाय गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ शहबाज अहमद के बारे में। क्योंकि शहबाज अहमद के बारे में आज मैं इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि टीम इंडिया में उसे जगह मिल सकती है। T20 इंटरनेशनल पहला मैच वो अपना डेब्यू कर सकता है अपने ही शहर में। इसका सबसे बड़ा रीजन जाता है विराट कोहली और KL राहुल, ये दोनों को टीम इंडिया से रेस्ट दिया गया हुआ है, जिसके कारण टीम इंडिया 15 प्लेयर चुने हुआ था साउथ अफ्रीका टीम के लिए। उसमें से अब 13 प्लेयर बचे हैं मात्र, जिसमें से 13 में से 11 में शहबाज अहमद को रखा जा सकता है। और शहबाज अहमद को इसलिए भी रखा जा सकता है क्योंकि रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट को ढूंढा जा रहा है, जो उस तरह से बॉलिंग करे, उस तरह का फील्डिंग, उस तरह का बैटिंग कर सके। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट में अक्षर पटेल अच्छा नहीं है, लेकिन अक्षर पटेल है बस एक ही है, अक्षर पटेल के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। तो इसके वजह से शहबाज अहमद को ज़्यादा चांस दिया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं, या तो ये T20 में डिवाइड करा सकते हैं, क्योंकि शहबाज अहमद अभी बहुत ही अच्छे लय में दिखे हैं। 2022 के T20 IPL जो देखे होंगे आप, उस IPL में शहबाज अहमद का परफॉर्मेंस उठाकर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। 3 विकेट 4 विकेट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का गिर जाता था, तब आते थे शहबाज अहमद बैटिंग करना, और क्या बैटिंग करते थे, बहुत पिटाई करते थे। और वो बैटिंग ऐसा नहीं कि बहुत ही कम स्ट्राइकर से, बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर से 140 145 150 इस तरह के स्ट्राइक रेट से काफ़ी अच्छे बैटिंग करके जाते थे। उसके अलावा फील्डिंग अच्छा ही और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छे है, इसलिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का फेवरेट प्लेयर बन चुके हुए थे, और सिलेक्टर की नज़र में भी आने का यही रीज़न। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इसे इसलिए मिल रहा है क्योंकि रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट कोई प्लेयर दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ एक अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल के अलावा कोई ऐसा है नहीं है लेफ्ट हैंडेड जो ऑलराउंडर है। एक था वेंकटेश अय्यर, चोटिल होने के कारण वो भी पता नहीं कहाँ, अभी फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है वेंकटेश अय्यर का, इसलिए उसको भी नहीं सिलेक्ट किया गया। तो इसलिए हमको लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए भी इसको शामिल किया जा सकता है रविंद्र जडेजा की जगह पर। चलिए दोस्तों, तो आप देखते हैं शामिल किया।